देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगभग कमजोर पड़ गई है, लेकिन कई जगह अब भी कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस के कप्पा स्वरूप के संक्रमित 11 मरीज मिले हैं। राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कप्पा वेरियंट से संक्रमित 11 मरीजों में से 4 अलवर और जयपुर, 2 बाड़मेर से और 1 भिलवाड़ा से हैं। उन्होंने बताया कि जीनोम अनुक्रमण के बाद इन मामलों की पुष्टि हुई है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि हालांकि कप्पा स्वरूप डेल्टा स्वरूप के मुकाबले कम घातक है, राजस्थान में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए। राज्य में 613 उपचाराधीन मरीज हैं। डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि कप्पा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम जानलेवा है। उन्होंने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। कोरोना का कप्पा वेरिएंट पहली बार अक्टूबर 2020 में भारत में पाया गया था। ये कोरोना वायरस का एक डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में कप्पा वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ने की खबर है। इसकी जटिल प्रकृति को देखते हुए WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया है। शोध बताते हैं कि कप्पा वेरिएंट में प्राकृतिक संक्रमण और वैक्सीन दोनों से बनी प्रतिरक्षा को मात देने की क्षमता है। यही कारण है कि इस वेरिएंट को विशेषज्ञ बेहद संक्रामक और खतरनाक मान रहे हैं।